हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आप लोग जल्दी से आ जाइए यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की जल्दी से आ जाइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा द टीचर शुड हैव अ गुड मॉरल करेक्टर बिकॉज ऑफ दिस यानी कि एक टीचर के अंदर एक गुड मॉरल करेक्टर होना चाहिए किसके कारण देयर वुड बी अ गुड इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स हिज प्रेस्टिज वुड बी इनहेंस्ड इन सोसाइटी ही वुड नॉट कमिट अ बैड डीड रेक्टर बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है कि एक टीचर का इस कारण से एक अच्छा करेक्टर होना चाहिए क्या लगता है इसका आंसर आपको देखिए यहाँ पर आंसर है देयर वुड बी अ गुड इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर गुड इफेक्ट देना ये इसका मेन आंसर नहीं होगा क्योंकि एक टीचर को सिर्फ इसलिए अपना गुड करेक्टर नहीं रखना है कि हाँ स्टूडेंट्स पर उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स के सामने वो ज़्यादा अच्छा बन सकता है ये बिल्कुल भी नहीं है फिर है हिज प्रिस्टिज वुड बी इनहेंस्ड इन सोसाइटी अगेन वहाँ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है और यहाँ सोसाइटी की उन्हें सिर्फ अच्छा बनने के लिए नहीं रखना है अपना करेक्टर अच्छा फिर है ही वुड नॉट कमिट अ बैड डिड वो एक बैड डीड कमिट नहीं करते ये भी बिल्कुल गलत है फोर्थ है यहाँ पर हिज स्टूडेंट्स वुड ऑल्सो ट्राई टू डेवलप गुड मॉरल करेक्टर ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक टीचर का करेक्टर इसलिए अच्छा होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का करेक्टर भी अच्छा रहे वो भी अपने टीचर से ही सीखते हैं अगर टीचर का करेक्टर अच्छा होगा तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी उससे सीखेंगे और स्टूडेंट का करेक्टर भी अच्छा डेवलप होगा इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है नेक्स्ट है एजुकेशन इज सुप्रीम वेल्थ बिकॉज अब एजुकेशन हमारा सुप्रीम है क्यों इट इज नॉट डिमिनिस्ड इवन इफ इट इज गिविन अवे इट कैन नॉट बी स्नैश्ड बाय एनी वन नो वन कैन स्टील इट एंड ऑल ऑफ द अबाउट यानी कि एजुकेशन एक सुप्रीम वेल्थ है क्यों बताइए इसमें से आपको कौन सा आंसर लगता है कौन सा सही होगा देखिए यहाँ पर इसका आंसर ऑल ऑफ दी हो जाए क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको देते हो दूसरों को तो ये कम नहीं होगा ठीक है एजुकेशन कभी भी घटती नहीं है अगर आप बांटते हो ये बढ़ती है फिर है इट कैन नॉट बी स्नैच बाय एनी वन ये किसी के द्वारा स्नैच नहीं की जा सकती यानी चोरी नहीं की जा सकती फिर है नो वन कैन स्टील इट और ना ही कोई इसे चुरा सकता है ऊपर है स्नैच मतलब छीनना और यहाँ पर है चुराने से मतलब है तो इसलिए हम ऑल ऑफ दी पर राइट right आंसर हो जाएगा ना ही कम होते हैं ना ही कोई हम उनसे छीन सकता है और ना ही कोई इसे चुरा सकता है ठीक है इसलिए ऑल ऑफ दी पर राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द यूज ऑफ स्टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट व्हेन दे आर टॉट द लेसन सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट अंडरस्टैंड अंडरस्टेंड लेसन थॉरोली थर्ड है द लेसन बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दी यानी कि जब अगर टीचर टीचिंग मेथड को यूज़ करता है तो उससे क्या चीज होगी देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव क्योंकि जब कोई भी टीचर अपने टीचिंग मेथड से पढ़ाता है तो इससे एक तो स्टूडेंट के बीच में इंटरेस्ट डेवलप होता है वो उस लेसन को और अच्छे से समझते हैं और साथ ही साथ वो जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिलता है तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी टीचर पढ़ाए तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग मेथड यूज़ करे और कोई भी टीचिंग मेथड रिपीट ना करे यानी कि वो उनको चेंज करे जिससे क्या होगा इंटरेस्ट डेवलप होता है डेली एक ही टीचिंग मेथड से वो पढ़ाएगा तो बच्चे बोर होने लग जाएंगे इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है नेक्स्ट है एजुकेशन इज नॉलेज बट अब एजुकेशन हमारी नॉलेज है लेकिन गुड मॉरल करेक्टर इज द की टू नॉलेज विदाउट मीन्स एजुकेशन कांट बी गिवन विदाउट प्योरिटी एंड वैल्यूज एजुकेशन इज यूजलेस एंड फोर्थ है विदाउट प्रैक्टिस नॉलेज इज यूजलेस इसमें से कौन सा आपको लगता है जो राइट आंसर होगा देखिए एजुकेशन इज नॉलेज ये तो बिल्कुल ठीक है फर्स्ट है गुड मॉरल करेक्टर इज द की टू नॉलेज ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि गुड मॉरल करेक्टर की है नॉलेज के लिए ठीक है विदाउट मीन्स एजुकेशन कांड भी गेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मीन्स चाहिए तभी एजुकेशन uh, कांड नहीं दी जा सकती ठीक है फिर है विदाउट प्योरिटी एंड वैल्यूज एजुकेशन इज यूजलेस ये बिल्कुल सही है अगर आपके साथ प्योरिटी या वैल्यूज नहीं है तो एजुकेशन आपकी यूजलेस है यानी कि आपने एजुकेशन तो बहुत ले ली ले, है लेकिन आपके अंदर मैनर्स नहीं है वैल्यूज नहीं है तो आपकी नॉलेज यूज जो एजुकेशन है वो यूजलेस है फिर है विदाउट प्रैक्टिस नॉलेज इज यूजलेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो आपकी नॉलेज यूजलेस हो जाएगी ठीक है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड एक चाइल्ड का फर्स्ट टीचर क्या होता है टीचर हिज एनवायरमेंट हिज पेरेंट्स हिज ओन कॉन्शियस माइंड फर्स्ट टीचर की बात की गई है बहुत ही सिंपल है उसके खुद के पेरेंट्स फर्स्ट टीचर होते हैं और अगर एनवायरमेंट की बात की जाती है यानी कि आउटसाइड होम की बात की जा रही है तो वो होता है उसका टीचर द जॉब ऑफ टीचिंग कैन बी डन बाय बाय एन एजुकेटेड पर्सन कैन नॉट बी डन बाय मैनी टीचर्स कैन बी डन बाय एनी पर्सन कैन नॉट बी डन बाय एवरी पर्सन बताइए देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कैन बी डन बाय एजुकेटेड पर्सन ये तो बिल्कुल सही है ठीक है और फिर है कैन नॉट बी डन बाय मैनी टीचर्स बहुत टीचर्स के द्वारा भी नहीं दी जा सकती कैन बी डन बाय एनी पर्सन यहाँ पर ये है कोई भी दे सकता है ठीक है फिर है कांट बी डन बाय एवरी पर्सन तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो है यहाँ पर ऑप्शन डी कि जो टीचिंग है उसकी जो जॉब है वो हर पर्सन नहीं कर सकता सिर्फ जो क्वालिफाइड है या जिसको नॉलेज है सिर्फ वही टीचिंग जॉब को कर सकता है तो हर पर्सन नहीं कर सकता इसलिए यहाँ पर जो मोस्ट रेलिवेंट लग रहा है ऑप्शन वो है यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट मोर डिजायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट इंक्रीज़ इन दी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर दब्जेक्ट इंक्रीज़ इन दी लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ इन स्टूडेंट्स अचीवमेंट एक हायर एजुकेशन में जो मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम है वो क्या है देखिए यहाँ पर मोर डिज़ायरेबल की बात की जा रही है तो सिर्फ परसेंटेज लाना ही यहाँ पे आउटकम आपका अच्छा निकल कर आ रहा है ये नहीं है तो ये तो कट गया फिर है इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट ये भी नहीं है क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑफ सब्जेक्ट लेंगे तो सिर्फ यही पैरामीटर नहीं है कि हाँ यहाँ पर आपकी हायर एजुकेशन में टीचिंग अच्छी चल रही है हो सकता है उन्होंने सब्जेक्ट ले लिया ले, लेकिन वो ना पढ़ रहे हो ठीक है तो ये भी कट गया फिर है इंक्रीज़ इन स्टूडेंट्स अचीवमेंट स्टूडेंट के अचीवमेंट इंक्रीज हो रहे हैं ये भी पैरामीटर नहीं है मेन पैरामीटर ये है कि जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो उनकी बढ़ रही है क्योंकि हायर एजुकेशन में क्या होता है लेक्चर चलते हैं अगर टीचर कुछ भी चीज समझा रहा है तो उनकी खुद की थिंकिंग बढ़ रही है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं क्यूरियसिटी उनके अंदर डेवलप हो रही है इट मीनस वो लेसन को समझने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर्ड्स एन एटीट्यूड टूवर्ड्स नॉलेज शुड बी यानी हमारा एटीट्यूड नॉलेज के तरफ होना चाहिए कैसा टू एक्सेप्ट वॉट इज प्रूव बाई साइंस ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल एविडेंसिस नॉट टू एक्सेप्ट एनी थिंग डैट इज़ नॉट पर्सनली वेरीफाइड टू एक्सेप्ट एज द फाइनल ट्रूथ टू एक्सेप्ट बिलीविंग इन द स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट बताइए इसमें से कौन सा आपको आंसर सही लगता है देखिए इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन वन ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि यहाँ पर ये यह कहा जा रहा है कि जो साइंस के द्वारा प्रूव है क्योंकि कोई भी चीज हम तब भी बिल्कुल सही मानते हैं जो साइंस उसे प्रूफ करती है और वो उसके खुद के कुछ एविडेंस होते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी हुई है तो इसका ये कारण था एविडेंस है साइंस से प्रूव्ड है तो यानी कि वो नॉलेज बिल्कुल सही है अब यहाँ पर है कि पर्सनली वेरीफाइड नहीं है तो पर्सनली हर पर्सन का अलग अलग परसेप्शन है तो हम नहीं कह सकते कि हाँ ये पर्सन पर्सनली वेरीफाइड हो गई तो बिल्कुल सही है फिर है एक्सेप्ट एज फाइनल ट्रूथ जरूरी नहीं है फाइनल ट्रूथ से आप बोल दें कि हाँ ये नॉलेज बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो फाइनल ट्रूथ हमें बताए ठीक है थीके? हर पर्सन उसके आगे कुछ ना कुछ रिसर्च करके कुछ ना कुछ स्टडी करके उसमें और चीज़ें एड ऑन कर देता है फिर है टू एक्सेप्ट लिविंग इन दी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है कि हम ये करें कि इम्प्रूवमेंट के लिए उसका कुछ स्कोप है और उस पर बिलीव करें तो ये भी गलत है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा कि कोई भी चीज़ है अगर साइंटिफिकली प्रूव है और उसका एम्पेरिकल एविडेंसेज है तो ये बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट है The psychological aspect of the classroom are best managed by the principal, the students themselves, the subject teacher, the class teacher. एक क्लासरूम का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा मैनेज किया जाता है किससे वो किया जाता है एक क्लास टीचर से क्योंकि एक क्लास टीचर ही है जो अपने स्टूडेंट के नेचर के बारे में जानती है जो अपने स्टूडेंट को जानती है क्या है और किस तरह से उनको कंट्रोल करना है किस तरह से उनको आगे उनकी ग्रोथ करनी है एक क्लास टीचर उस पर फोकस करती है क्योंकि उसका मेन टारगेट अपनी क्लास है तो उसी के इर्द गिर्द वो सारे काम करती है इसलिए यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होगा वो होगा हमारा बेस्ट मैनेज बाय क्लास टीचर ओके नेक्स्ट है गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास या फिर मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट अच्छी टीचिंग रिफ्लेक्टेड की जाती है किससे स्टूडेंट के अटेंडेंस से डिस्टिंगशन से पिन ड्रॉप साइलेंस या फिर मिनिमम क्वेश्चन आस्ट बहुत ही सिंपल है अटेंडेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है हम नहीं कह सकते कि अटेंडेंस खोला तो टीचिंग भी अच्छी हो रही होगी नंबर ऑफ डिस्टिंगशन से भी नहीं एंड इससे भी नहीं ऑप्शन है यहाँ पे डी मीनिंगफुल क्वेश्चन आ पाए स्टूडेंट्स अगर देखिए स्टूडेंट को अगर कुछ समझ में आता है तभी वो क्वेश्चन पुट करता है अगर मीनिंगफुल क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं तो इट मीन्स टीचिंग अच्छी चल रही है नहीं तो अगर उन्हें कुछ अच्छा नहीं समझ में आएगा तो वो बिल्कुल साइलेंट रहेंगे और जो भी पढ़ाया जा रहा है बस उसको सुन लेंगे लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं इट मीन्स टीचिंग वहाँ पे क्या है अच्छी चल रही है इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो ये थे आज के क्वेश्चन होप यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हैं किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए